देखो भाई, ये चीज़ जो है ना, मैं वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आपको थोड़ी अजीब लग सकती है। इसके बाद असली वीडियो स्टार्ट होगी। तो भाई, इस वीडियो में जो है ना, मैंने भाईसासा बैंक की जो सिचुएशन है उसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। हाँ, यहाँ पे जो भाईसासा बैंक की फोटो से ज़्यादा तो रिपोर्ट के स्क्रीनशॉट होने वाले हैं, ताकि अगर किसी को समझ नहीं आता तो वो रिपोर्ट पढ़ सकता है। ऐसे इस वीडियो में बात करने वाले भाईसासा बैंक और नियोमी के बारे में, क्यों उन्होंने भाई डब्ल्यूबी को छोड़ के चली गई, डब्ल्यूबी तो नहीं छोड़ा, वो बिल्डिंग क्यों छोड़ के चली गई, और रॉ में भाई क्यों मैच चेंज हुआ, उसके बारे में मेरे पास पूरी रिपोर्ट आ चुकी है। और भाई, वीडियो लेट आई तो उसके पीछे एक वजह है कि मैं एकदम एक्सप्लेन करने वाला पूरी चीज़ को एकदम अच्छे से, और मेरे पास ऐसे रिपोर्ट्स आई ना, उसके बाद तो भाई जो भी किया है ना सासा बैंक और नियोमी ने वो सही किया है। तो भाई क्या है पूरी अपडेट, क्या है पूरी रिपोर्ट्स, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देख लो बिना स्किप किए, अगर आपने स्किप किया तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे। अगर मैं चैनल पर नया आया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देता हूँ, शेयर कर देना, क्योंकि चैनल पर आपको डब्ल्यूबी की न्यूज़ अपडेट देखने को मिलती जाती है। चलिए आज के मार्केट को स्टार्ट करते हैं। मैं जो एक एक चीज़ है ना स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं आखिरकार हुआ क्या। तो देखो मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है। रॉ के एपिसोड में भाई सिक्स वुमन जो पैक चैलेंज है ना अनाउंस था मेन इवेंट के लिए, और जो भी जीतने वाला था वो जाने वाला था भाई बियांका ब्लेक को फेस करने के लिए। और यहाँ पे क्या होता है, जैसे भी डब्ल्यूबी मैच ऑफिसर करती है, सासा बैंक और नियोमी अपने टाइटल पकड़ाती भाई बैक स्टेज और चली जाती है इस बिल्डिंग से। अब आपने तो देख लिया कि भाई मेन इवेंट में वहाँ बैकी लिंच जो आस्का, और यहाँ पे जो आस्का जीत गई, लेकिन ओरिजिनल विनर थी नियोमी। जी हां गाइस, ओरिजिनल जो विनर शेड्यूल थी वो थी नियोमी, लेकिन फिर भी नियोमी और सासा बैंक क्यों छोड़ के गई उसके पीछे का मैं रीजन बता देता हूँ। तो यहाँ पे भाई रीजन ये है कि नियोमी फेस करने वाली थी बियांका ब्लेक को, और रोंडा रोजी को फेस करने वाली थी सासा बैंक, और सासा बैंक और नियोमी दोनों हारने वाली थी, और यहाँ पे ओवर किया जा रहा था रोंडा रोजी और बियांका ब्लेक को। ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि भाई किसका मैच किसके साथ होने वाला था, तो भी ये जो है ना एक नियोमी के एक फैन ने बताई ये बातें, कि ये जो ऐसी बातें कि नियोमी और सासा बैंक जो पिछले कुछ टाइम से है ना परेशान है बैक स्टेज कॉन्ट्रोवर्सी को लेके। और भाई वो फैन को ऐसा वैसा फैन नहीं, उसको खुद नियोमी ने भी फॉलो कर रखा है, इसलिए मैं उसकी बात पर भरोसा कर रहा हूँ, आपकी उसकी बातें बता रहा हूँ। तो यहाँ पे पिछले ना काफी महीनों से ये चीज़ें चलती आ रही है, और सासा बैंक ने भी बात भी की थी मिस्टर मैकमैन से, लेकिन मिस्टर मैकमैन जो है तैयार नहीं हो रहे। मिस्टर मैकमैन बार बार यही कह रहे कि भाई तुम्हें जो मैच लड़ना पड़ेगा तुम्हें हारना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जो सासा बैंक को लगा कि भाई जो हमारी टैग टाइटल से उसकी कोई इज्जत नहीं है, इसलिए जो वो बिल्डिंग छोड़ के चली गई। तो ये तो है असली बात है कि सासा बैंक और नियोमी की जो पोजीशन है वो टैग टीम चैंपियंस वाली, उसको जो रेस्पेक्ट नहीं किया गया, यही एक वजह है जिस वजह से वो जो छोड़ के चली गई। और डब्ल्यूबी के हिसाब से क्या वजह है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और सासा बैंक ने जो है ना ट्विटर पर सबको अनफॉलो कर दिया है, सिर्फ 6 लोगों को रखा है, नियोमी को रखा है, जॉन सिन्हा को, 2 फैन को, और एक सासा बैंक का खुद का अकाउंट है, और एक उनका कुत्ते का अकाउंट है, बाकी भाई विंस मैकमैन का अकाउंट और जो डब्ल्यूबी का अकाउंट होता है ना उन सबको उन्होंने अनफॉलो कर दिया। इस पर भाई डब्ल्यूबी की स्टेटमेंट आई है, और डब्ल्यूबी कहती है कि हमने जो भाई इनको 8 घंटे दिए थे मैच को रिहर्सल करने के लिए, लेकिन इन्होंने भाई सुबह से 8 घंटे तक कोई भी मैच रिहर्सल नहीं किया। और जैसे अपने एडवर्टाइज एयर ऑन की, इन दोनों ने जो है ना बैक स्टेज एक एम्प्लॉय होता है जो कि इन सारे टाइटल्स की देखभाल करता है, उसको टाइटल पकड़ा है सूटकेस में, और फिर जो बिल्डिंग छोड़ के चली गई। और डब्ल्यूबी यहाँ पे ये भी कह रही है कि सासा बैंक और नियोमी इसलिए छोड़ के गई है क्योंकि इनको जो अनकंफर्टेबल फील हो रहा था जो मैच के पार्टिसिपेंट थे ना भाई निकी एस डूट और बैकी लिंच आस्का, और यहाँ पे स्पेशली रिपोर्ट्स का कहना है कि उनको जो बैकी लिंच आस्का के खिलाफ मैच लड़ने में जो काफी दिक्कतें हुई थी, जिनके खिलाफ वो इंडिविजुअली मैच लड़ चुकी, तो भाई ये बात तो मुझे पूरी गलत ही लगती है। रिपोर्ट्स ये भी आई कि मिस्टर मैकमैन चाहते हैं कि नियोमी फेस करे भाई हेल इन अ सेल में बियांका ब्लेयर को, और सासा बैंक फेस करे रोंडा रोजी को, और ये दोनों हार जाए ताकि वो दोनों चैंपियंस ओवर हो चुके। और ये चीज जो है ना सासा बैंक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि सासा बैंक चाहती थी उनका और नियोमी का जो है डूड और निकी एस के अगेंस्ट मैच हो वुमेंस टैग टीम टाइटल्स के लिए हेल इन अ सेल में, लेकिन विंस मैकमैन इस चीज के लिए नहीं माने। तो भाई फिलहाल तो आई होप सो कि मैंने जो इस चीज को ना पूरा एक्सप्लेन कर दिया होगा। तो यहाँ पे भाई जिस चीज को समझ नहीं आई वो मुझे वापस कर देना, फिर वीडियो को वापस देख लेना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। यहाँ पे जो लोग सोचे कि सासा बैंक और नियोमी भी डब्ल्यूबी को छोड़ के चली जाएगी या फिर डब्ल्यूबी उन्हें रिलीज कर देगी, तो देखो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। गिनती के बाद 10 स्टार है फीमेल में, उनको भी ये निकाल देंगे ना तो इनका जो फीमेल डिवीजन है वो बंद हो जाएगा। और जिसको भी पता नहीं हो, नियोमी जो भाई रोमोजेंस के है ना, मतलब जिमी उसो जो है उनकी पत्नी है, तो भाई रोमोजेंस के साथ कनेक्शन है, तो यहाँ पे रिलीज तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। अब वैसे तो मैंने वीडियो खत्म कर दी थी, लेकिन भाई फिर मुझे कुछ और भी बातें याद आ गई, तो फिर मैंने सोचा भाई लगे उनको भी कह देता हूँ। बात यह है कि जो डब्ल्यूबी ने ना टैग टीम टाइटल की कोई इज्जत ही नहीं की, यहाँ पे जो भाई जो चैंपियन को ट्रीटमेंट दी जाती है ना वो यहाँ पे सासा बैंक और नियोमी को बिल्कुल भी नहीं दी गई। सासा बैंक ने भाई कई बार जो है मीटिंग की यहाँ पे जो है विंस मैकमैन के साथ, लेकिन भाई विंस मैकमैन ने जो मीटिंग का कोई अर्थ ही नहीं निकाला। जो प्रॉब्लम थी क्रिएटिव टीम की, वो क्रिएटिव टीम की जो प्रॉब्लम रही है, यहाँ पे जो क्रिएटिव बुकिंग है ना उसकी मेन प्रॉब्लम। अभी जब विंस मैकमैन ने कहा क्रिएटिव टीम को कि यहाँ पे तुम इस चीज को सही करो, तो यहाँ पे जो क्रिएटिव टीम का जो प्रोड्यूसर है ना वो भड़क गया, और उसने कहा भाई तुम अपना एटीट्यूड सुधारो। ऐसा इन्होंने सासा बैंक और नियोमी को कहा, बार बार कहते थे तुम अपना एटीट्यूड सुधारो, तुम ऐसे नहीं कर सकते। और ये चीज जो है ना सासा बैंक को स्ट्रक कर गई, और उन्होंने भाई पकड़ा दिया टाइटल, तुम तुम्हारे टाइटल अपने पास रखो, हम जा रहे हैं। और इवन यहाँ पे जो सासा बैंक ने ना क्रिएटिव टीम से पूछा भी था कि हमने टैग टीम टाइटल का करना क्या है, तो यहाँ पे बताया क्रिएटिव टीम ने क्या क्या, तुम्हें बस इसको रखना है, बस करना कुछ नहीं, तुम्हें बस इसको रखना और चलते रहना। तो भाई ये कुछ कहा, और आई होप कि मैंने इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया होगा। तो भाई ये कुछ था इस वीडियो के लिए, भाई वीडियो को तो इन्फॉर्मेशन थी, अब अपडेट तो भाई नेक्स्ट वीडियो में आने वाली है। तो भाई टेक केयर।